अब देखिए हम जिधर जिधर घूमेंगे यह स्नेक भी उधर ही घूमेगा, क्योंकि इसका फोकस अभी सिर्फ चलती हुई चीजों पर रहता है। और जैसे हम इसके नजदीक जाएंगे ये हमला करेगा। ये आप देख सकते हैं, अब ये किसी भी समय हमला कर सकता है। ये आपने देखा। फ्रेंड्स, मैं निर्मल कुमार स्वागत करता हूँ दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल स्नेक लवर पे। दोस्तों आज हमें लाल खान हसनगंज से नागमणि यादव जी ने कॉल किया है, और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ इनका बगीचा है, खेत है, यहाँ ये लोग सब्जी लगाते हैं, और बगल में ये लोग कुआं है, इस कुएं से शायद पानी डालते हैं, और ये कुआं आधा घर में भी जा रहा है। तो इस कुएं में इन लोगों ने एक स्नेक को देखा, तो बड़ी मेहनत से लोगों ने यहाँ पर उस स्नेक को बाल्टी के ऊपर डाला है। आइए दिखाइए, फट जाइए आप लोग, भट जाइए आप लोग, दूर हो जाइए निकालने में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये स्पेक्टिकल कोबरा सांप है, और ये बाल्टी में इन लोगों ने फंसा लिया है इसे, तो बने रहिए अब हम सावधानी से इसे निकालते हैं। हट जाइए, दूर हट जाइए, दूर हट जाइए, सेट हो जाइए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों काफी बड़ा सांप है। चलिए अंदर दिखाते हैं सूखा में। करते कौन सी, तो आप देख सकते हैं साथियों यह काफी बड़ा कोबरा सांप है, और कितने दिन से यह गिरा हुआ है, कल गिरा है यह सांप, और लोग बता रहे हैं यह स्नेक कल गिरा है। देख सकते हैं काफी गुस्से में है साथियों यह सांप, और थोड़ा रेडिश कलर है इसका, काफी खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों हम बताते चले, यह जो सांप है ये आपको घर में काटने के लिए नहीं आता है, तो ये आपको जो है घर पे काटने के लिए नहीं आता है। कैसे थोड़ा शांत रहिए। ये जो है घर में चूहे खाने के तलाश में आ जाता है, जैसे कल रात बारिश काफी हुई है तो बारिश से इसके बिलों में पानी चला जाता है, तो ये छिपने के लिए जगहों की तलाश में मानव बस्ती में आ जाते हैं। और अक्सर दोस्तों ऐसा देखा गया है कि सांप काटने के बाद लोग ज्यादा सांप के जहर से मरने के बजाय सांप के भय से मर जाते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि सांप काट लेता है जहरीला सांप भी, तो लोग जानकारी के अभाव में सही जगह नहीं जा पाते हैं और ट्रीटमेंट कराने के बजाय झाड़ फूक में रहते हैं, जिस कारण से जो है उनकी जान चली जाती है। तो हम बताते चले साथियों कि ऐसा क्या, कोई भी सांप यदि आपको काटता है तो आपके पास कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय होता है, जहर फैलने में काफी समय लगता है, तो इस दरमियान आप जो है हॉस्पिटल जाकर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं और बच सकते हैं, 24 घंटे में आप घर से हॉस्पिटल से वापस आ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं काफी अग्रेसिव कोबरा है और काफी शानदार है। कितने गुस्से में यह फुफकार रहा है आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका रेस्क्यू कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं नागिन डांस, जो कि सपेरे दिखाते हैं, बीन हिलाते रहते हैं, और लोगों को लगता है कि वो बीन बजा रहे हैं, जिस कारण से वो सांप डांस कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यही काम हम अपनी कैप से कर रहे हैं, और हम कैप हिला रहे हैं और ये नागिन डांस आप देख पा रहे हैं। अब देखिए हम जिधर जिधर घूमेंगे यह स्नेक भी उधर ही घूमेगा, क्योंकि इसका फोकस अभी सिर्फ चलती हुई चीजों पर रहता है, और जैसे हम इसके नजदीक जाएंगे ये हमला करेगा। ये आप देख सकते हैं अब ये किसी भी समय हमला कर सकता है। ये आपने देखा। चलिए काफी प्यारा सांप होता है दोस्तों लेकिन जब तक इसे छेड़ा नहीं जाए ये बाइट नहीं करता है। ये अंदर नहीं जाना चाहता है, लेकिन हमको भी इसे अंदर करना पड़ेगा कि जब तक ये अंदर नहीं जाएगा हम लोग इसे लेकर सही जगह पर नहीं जा पाएंगे। आप
आप देख सकते हैं निकलने के लिए किस तरह कोशिश कर रहा है। तो आपने देखा साथियों, इतने बड़े स्पेक्टिकल कोबरा स्नेक का हम लोगों ने काफी अच्छी तरह से रेस्क्यू किया, बिना इसे कोई नुकसान पहुंचाए और घर वाले भी भय से मुक्त हो गए। तो अब हम इसे ले जाकर फॉरेस्ट में रिलीज कर देंगे। तो स्नेक बचाने की मुहिम में हमारे साथ दीजिए और कहीं भी स्नेक दिखे तो कोई स्नेक सेवर से कॉन्टेक्ट कीजिए और उसे बचाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, सांपों का पर्यावरण में बचे रहना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको हमारा ये स्नेक रेस्क्यू वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर से अगली बार किसी और स्नेक के साथ। आपका स्नेक लवर निर्मल कुमार, धन्यवाद।